13 दिसंबर 2001 का वो दिन जब लोकतंत्र के मंदिर पर आतंकी हमला हुआ। 16 साल पहले लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने सांसदों को बंधक बनाने की साजिश रची थी। देश के जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर आतंकियों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। आतंकियों से लोहा लेते हुए दिल्ली पुलिस के 5 जवान, CRPF की एक महिला अधिकारी, संसद के 2 सुरक्षाकर्मी और एक माली शहीद हो गए और 5 आतंकियों को भी मार गिराया गया। जिस दौरान संसद पर हमला हुआ उस समय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की अध्यक्षता में शीतकालीन सत्र चल रहा था। करीब 100 से ज्यादा सांसद संसद में मौजूद थे। हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी। अफजल को 9 फरवरी 2013 को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। वहीं एक और मास्टरमाइंड गाजी बाबा को BSF ने अगस्त 2003 में श्रीनगर के पास मार गिराया। उधर पाकिस्तान में बैठे हमले के 2 मास्टरमाइंड अजहर मसूद और तारिक अहमद अभी भी हमारी गिरफ्त से बाहर हैं। संसद हमले की 16वीं बरसी पर PM मोदी और राहुल गांधी के साथ ही पूर्व PM मनमोहन सिंह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, सोनिया गांधी, BJP के सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी समेत सत्ता और विपक्ष के नेता संसद भवन पहुंचे और तमाम तलखियों को भूल भारतीय जवानों की शहादत को सम्मान देने के लिए एक साथ खड़े नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संगीता सिंह, नव द टाइम्स, दिल्ली।